कमिश्नर्स के ऑफिसर्स की तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा हक छीन लिया गया है कि क्योंकि आपको पता है जिस हक की हम मांग कर रहे हैं जो नौकरी हमसे हमारे हाथों से छीन ली गई है क्योंकि हम मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, हमने अपने बलबूते पे मार्क्स लाए थे तो हम इन थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है इन लोगों ने उन लोगों को अपॉइंट किया है जिन लोगों को इन्होंने एक महीने जिस दिन एग्ज़ाम था 20 को एग्ज़ाम था 19 तारीख को इन लोगों ने उनके हाथों में पेपर थामे थे। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर इन लोगों ने उसी वक्त एडवर्टाइजमेंट निकाली होगी, नहीं आपको जम्मू एंड कश्मीर फायर एमरजेंसी में एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपको क्या कर रहा है आप 8-8 लाख रुपया लाओ हम आपको पेपर दे, लेकिन हमारा ज़मीन हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम गरीब का हक खाएगा। हमें भी ताकत है, हम भी 8 लाख दे सकते हैं, लेकिन हमें अपना ज़मीन इजाज़त नहीं दे क्योंकि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन यही सिखाता है, हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही सिखाता है कि हमें किसी का हक नहीं छीनना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है वो है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन है, लेकिन कहाँ इन लोगों ने हमें हर एक एंगल से एक्सप्लाइट किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नर साहब, अगर आपने इसके ऊपर 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका हेड आर के गोयल साहब था, तो वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है, उनको एक महीने का टाइम दिया गया था क्यों नहीं वो रिपोर्ट सबमिट कर रही है, क्या इसके पीछे कोई पीछे बंदा बैठा है ना, वो दलाल जो पीछे बैठे हैं जिनको पता है कि अगर इन लोगों ने CBI के हाथ में रिपोर्ट दिया है तो हमारी तो जो है ना बात तो गई है, लेकिन याद रखना आर के गोयल साहब मैं तो आपका बच्चा हूँ ना, आपके घर में तो आपके बेटे हो गए ना, आपके घर में आपके जो बच्चे हो गए ना, क्या अगर आपके बच्चों के साथ यह होता कि आपको आप बर्दाश्त कर सकते हो, नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो मेहरबानी करके विद इन डेज पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाए, अगर आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं लाए जिस तरह हमने आपके सामने वो प्रूफ रखे थे एविडेंस रखे थे, गजफर नबी ने जो बोला है जो जम्मू के मीडिया में अपना इकबाली जुर्म करता कि मैंने पेपर पकड़ा है, मैं कहाँ से मैंने लाया है, किससे मैंने लाया है, और वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, अगर आपको बच्चा यहाँ से बोला है कि हमने 75% पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार किया तो ये लैकुनी क्यों, व्हाट आर शोइंग द लैकुनी इन आर इन सबमिटिंग द रिपोर्ट्स, ये लैकुनी शो क्यों करते हैं रिपोर्ट को सबमिट करने में, तो हमें यही पता चलता है कि नहीं कोई पीछे बंदा बैठा है, हमें उन लोगों का नाम भी पता है जो इनको पीछे प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आप रिपोर्ट को डिले कीजिए, लेकिन वक्त